खबर जयपुर से है, जहां पर रविंद्र मंच के मिनी थिएटर में रंग शीर्ष आर्ट एंड कल्चर रिसर्च सोसाइटी की तरफ से बहुचर्चित नाटक बाप रे बाप का मंचन किया गया। हास्य और व्यंग से भरपूर इस नाटक को देखकर दर्शक लोटपोट हो गए। इस नाटक के लेखक पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय केपी सक्सेना हैं, जिन्होंने लगान, स्वदेश, जोधा अकबर, हलचल जैसी मशहूर फिल्में लिखी हैं। नाटक का निर्देशन पुना फिल्म संस्थान से स्नातक दिनेश प्रधान ने किया। रंग शीर्ष आर्ट एंड कल्चर रिसर्च सोसाइटी की इस प्रस्तुति में भाग लेने वाले मुख्य कलाकार थे दीपक शर्मा, विनोद जोशी और सुदर्शनी माथुर। चलिए, एक हास्य व्यंग से परिपूर्ण नाटक है जिसको प्रसिद्ध व्यंगकार जो पद्मश्री भी जिनको मिला था के पी सक्सेना साहब ने लिखा। इसके डायलॉग्स बहुत ही चुटीले हैं, बहुत ही हंसी लोगों को इसमें आती है। और इस नाटक की कहानी में ये है कि घर का बाप चला जाता है कहीं दो तीन दिन के लिए, तो उसके चक्कर में घर में लोग सोचते हैं कि घर के जो फादर हैं वो घर छोड़ के चले गए, भाग गए हैं मतलब घर से, और उनको जो बेटा है वो परेशान है। उनको वापस पाने के लिए वो अनाउंसमेंट कराता है रेडियो टीवी पे कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उस 50,000 के लालच में ना तरह तरह के लोग नकली बाप पेश करने लगते हैं कि आपका बाप है, ये आपका बाप है। उस चक्कर में जो स्थितियाँ पैदा होती है हास्यास्पद, उसके कारण इस कॉमेडी नाटक का मजा